मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिसेसिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेंगू पार्ट 3 में। अभी तक मेरे 2 वीडियो डेंगू पर आप तक पहुंचे हैं, डेंगू पार्ट 1, डेंगू पार्ट 2। अब मैं बढ़ रहा हूं डेंगू पार्ट 3 की तरफ। मित्रों डेंगू पार्ट 3 में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि डेंगू से कैसे बचे, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेंगू से बचने के लिए हमें उस डेंगू के मच्छर से बचना चाहिए। अब वो मच्छर जहां पलता है, कहीं पर भी गंदगी हो, घर में गंदगी है, घर में कूड़ा कचरा जमा है, कई बार हम घर बहुत साफ सुथरा रखते हैं लेकिन पूरी गंदगी उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब बाहर से वो मच्छर उस गंदगी से हमारे घर में आता है, तो हमें सिर्फ घर ही नहीं, घर के आजू बाजू का जो एरिया है उसे भी क्लीन रखना चाहिए। और इसमें सचा हुआ पानी, कूड़ा कचरा, कई बार जो स्क्रैप मटेरियल है जो हमारे काम का नहीं है, ऐसी कई वस्तुएं इकट्ठा एक कॉर्नर में पड़ी होती है और उसमें ये डेंगू का मच्छर अपना डेरा जमाता है। तो हमें साफ सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं बढ़ रहा हूं हमारा पहरावा किस तरीके का होना चाहिए। तो मित्रों इस डेंगू के सीजन में हमने पूरे आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए और साथ में सॉक्स भी हमें पहनना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉडी का पार्ट अगर हमारा कवर रहे तो डेंगू के मच्छर से हम बच सकते हैं। अब जो पार्ट हमारा एक्सपोज है, ये जो एक्सपोज पार्ट है, इस एक्सपोज पार्ट के ऊपर हमें ओडोमॉस ये क्रीम लगाना चाहिए। इसमें बहुत हद तक ये सिद्ध हो चुका है कि ओडोमॉस के एप्लीकेशन के बाद मच्छर बहुत ही कम काटता है, तो इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि हमें किस तरीके का कपड़ा पहनना चाहिए। तो मित्रों हमें व्हाइट कपड़े, सफेद कपड़े, जैसे रात को हमें सफेद कपड़े अगर हम पहनते हैं तो मच्छर चाहे डेंगू का रहो चाहे मलेरिया का रहो, ये मच्छर हमारे इर्द गिर्द काफी कम घूमते हैं और हमें बहुत कम काटते हैं। जैसे कि काला कपड़ा, अगर आप काले कपड़े पहनते हो तो मच्छर वहां अट्रैक्ट होता है और हमें काटने की संभावना ज्यादा होती है। तो सफेद कपड़े पहने, ओडोमॉस का इस्तेमाल करें और रात में अगर पॉसिबल है, आपके यहाँ मच्छर ज्यादा है तो आपको मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छरदानी के वजह से हम मच्छरों से बच सकते हैं। मित्रों कई लोगों का ये मानना है कि डेंगू एक बार हो गया तो उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज बनती है और दोबारा उसे डेंगू नहीं होगा। तो यहां पर मैं छोटा सा एक करेक्शन करना चाहता हूं कि डेंगू के इस वायरस के 4 स्ट्रेन है, उसमें से एक तरीके का डेंगू अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उस फीवर के लिए, उस डेंगू के उस स्ट्रेन के लिए, पर्टिकुलर उसी स्ट्रेन के लिए उसके शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है, एंटीबॉडीज बन जाती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। लेकिन बचे हुए जो 3 स्ट्रेन है वो कभी भी उस व्यक्ति पर अटैक कर सकते हैं, उसे दूसरे तरीके के स्ट्रेन से डेंगू फिर से हो सकता है। अब मैं आपको एक आखिरी संदेश देना चाहता हूं, डेंगू से बचना है। डेंगू का इलाज हमने देखा घर में भी कर सकते, अस्पताल में भी कर सकते, लेकिन अगर हमें डेंगू के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफों से बचना है तो हमें दक्षता पे ध्यान देना है। अगर हम दक्षता ले तो हम शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तकलीफों से बच सकते हैं, वरना डेंगू 5 से 7 दिन में ठीक भी हो सकता है और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, अपने घर को, अपने घर के आजू बाजू की जो भी जगह है, वो जो भी एरिया है, उसे साफ सुथरा रखो, गंदगी मत करो, सचे हुए पानी को वहां से हटा दो और घर में और बाहर कहीं पर भी गंदगी, कूड़ा कचरा जमा करो मत। इससे हम डेंगू से बच सकते हैं और यही संदेश आपको हर जगह हर व्यक्ति को पहुंचाना है। थैंक यू वेरी मच।